ये है मेरी मॉर्निंग की चाय और ये टोस्ट और कर्डल वेट कर रहे हैं अपने एगी के लिए। हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ दीपिका ककर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। आज है संडे और आज हम तीनों बाहर जा रहे हैं, यानी कि शोएब, सबा और मैं तीनों। सो मैंने सोचा कि आज का पूरा दिन आपके साथ शेयर करना चाहिए। हम क्या मस्ती धमाल करेंगे वो सब आपके साथ शेयर डेफिनेटली होनी चाहिए। सो अभी जस्ट मैं उठी हूँ, मैंने चाय पी ली है, शोएब ने भी चाय पी ली है, वो चले गए हैं रेडी होने। अब मैं जा रही हूँ रेडी होने और कर्ल का एगी बॉयल हो रहा है तो मैं उसके लिए रुकी हूँ क्योंकि उसको एगी खिला के फिर मैं जाऊँगी क्योंकि उसको उसकी मॉर्निंग की दवाई देनी है। सो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज मैं क्या पहनूँ। मैंने ये तीन ड्रेसेस शॉर्टलिस्ट की हैं। एक है मुझे ये रेडीमेड प्लाजो बहुत अच्छा लगा था तो इसके साथ मैंने ये पिंक कलर का लॉन्ग फुल लेंथ स्ट्रेट लाइन कुर्ता सिलवाया है और मैंने ये दुपट्टा शेड करवा लिया तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। तो क्योंकि आज बहुत गर्मी है, सनी डे है, तो मेरे को लगता है उस हिसाब से ये कलर बहुत प्यारा लगेगा। लेकिन एक और है ऑप्शन, ये जो है, मुझे ये कपड़ा बहुत पसंद आया था। ये कट पीस था, एक्चुअली कम कपड़ा था तो मैंने ये इस तरह से थोड़े बलून, थोड़ा सा बलून स्लीव्स है, ज़्यादा नहीं क्योंकि कपड़ा कम था, तो उस हिसाब से मैंने डेनिम पे पहनने के लिए ये बनवाया है। तो एक ऑप्शन ये है और एक ये है, ये मैंने पटियाला के ऊपर शॉर्ट कुर्ता बनवाया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इन तीनों में से कौन सा पहनूं। खा लिया एगी कर्डल? एगी खा लिया, मुंह पे भी लगा लिया, नीचे भी गिरा दिया है ना। चलो अभी दवाई खाएंगे, चलो दवाई खाएंगे, दो ताली दो दवाई खाएंगे, चलो ताली दो दवाई खाएंगे। अच्छा एगी के नाम पे ताली दे दो, चलो चलाक देखो, इसको पता है मैं दवाई देने वाली हूँ कि अच्छी लगाएगी। मैं रेडी हूँ, मैंने ये वाली ड्रेस चूज की है, नहा लिया है मैंने चेंज वेंज कर लिया है, अपने बाल सेट कर लिए हैं और अब जो है मुझे मेकअप करना है। मेकअप से पहले ऑब्वियसली फेस वॉश कर लिया है मैंने, टोनर यूज कर लिया है और अब मैं जो है टोनर को थोड़ा ड्राई होने दूंगी। सो आज मैं यूज कर रही हूँ वाव स्किन साइंस का विटामिन सी रेंज। सो टोनर हो गया, अब मैं लगाऊंगी इसकी फेस क्रीम। इस पूरे रेंज में फेस वॉश है, टोनर है, फेस क्रीम है और फेस सीरम भी है। सीरम मैं यूजुअली रात में यूज करती हूँ, जिस भी रेंज का सीरम मैं यूज कर रही होती हूँ वो मैं रात में यूज करना प्रेफर करती हूँ। तो अब मैं लगाऊंगी क्रीम और उसके बाद मैं करूंगी मेकअप। इसमें विटामिन सी के साथ साथ है विच हेजल, हाइलुरोनिक एसिड, जो कि आपके फेस पिगमेंटेशन को कम करता है, आपके फेस को नरिश करता है, तो आपका फेस ब्राइटन हो जाता है, बहुत ही हाइड्रेटेड रहता है, साइंस ऑफ एजिंग कम करता है एंड इसके रेगुलर यूज से आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो लाइटन हो जाए। वाव स्किन साइंस इज अ मेड इन इंडिया ब्रांड। इसके सारे प्रोडक्ट्स टोटली नेचुरल हैं, फ्रॉम पैराबेन, मिनरल ऑयल एंड सिलिकॉन। इनकी ऑथेंटिसिटी जानने के लिए एक QR कोड दिया गया है, अगर आप इसे स्कैन करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं। और इसे आप खरीद सकते हैं Amazon, Flipkart, Nykaa एंड बाय वाव की वेबसाइट से। अगर बाय वाव से आप खरीद रहे हैं और एडिशनल 30% डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं विच इज दीपिका कक्कर। सो विटामिन सी के इस फेस वॉश में 97.6% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, सीरम में 98.5%, फेस क्रीम में 93.3% एंड टोनर में 98% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। मैं हल्का सा मेकअप कर लूंगी, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं क्योंकि मुझे आज बेस फेस करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। आई एम रेडी और मैं इसी तरह से जल्दी जल्दी वाला मेकअप करती हूँ जब मुझे पूरा बेस वेस नहीं करना होता है। सो चलिए अब चलते हैं। और ये बैठे हैं हार्डवर्किंग एडिटर। कल जो ब्लॉग शूट किया है उसकी एडिटिंग चल रही है क्योंकि वो आज लाइव होने वाला है। और बस तो हो गई एडिटिंग की, बची है बाकी है, आधी एडिटिंग वो आपको करनी है। हम
लोग हैं रास्ते में कार में, ये बैठी है सबा, ये अपना वीडियो एडिट कर रही है। ये रहे शोएब, क्या कर रहे हो आप? भैया जो है वो गाड़ी चला रहे हैं और मैं शूट कर रही हूँ। तो हम लोग बस रास्ते में पहुंचने ही वाले हैं। आज एक्चुअली इन दोनों की स्किन पैम्परिंग का डे है, तो मैं इन दोनों को क्यूटस छोड़ूंगी। जैसे कि पिछली बार शोएब ने बोला था कि अगली बार मैं भी कुछ करवाऊंगा, तो आज वो भी कुछ करवाने वाले हैं और सबा जो है अपना फेशियल करवाने वाली है। जो लास्ट टाइम बर्थडे के टाइम पे कराया था वही वाला। एंड उसके बाद मुझे लोखंडवाला में थोड़ा काम है और फिर आज कुछ खाएंगे, क्योंकि कल शोएब ने बोला था संडे है, मंडे से डाइट करेंगे। तो शोएब आज तो खाएंगे ना? दही समोसा चाट। ओके, ये तो मतलब हम लोग हाई पॉइंट जाएंगे। यस हाँ जी, क्या हुआ शोएब? मैं बोल रहा हूँ कि पहले कुछ खा लेते हैं, भूख लग रही है और कुछ सुबह खा के नहीं निकले हम। आप इतना बदनाम मत करवाओ। तो नहीं, एक्चुअली हम लेट हो रहे थे, हम सुबह चाय पी के निकले, कुछ खा के नहीं निकले। हमारी बीवी हमें खाना नहीं देती, तो हम सोच रहे हैं कि ट्रीटमेंट कराने से पहले हम कुछ खा ले जाके, क्योंकि उसके बाद ट्रीटमेंट करेंगे तो बहुत, फिर एक तो आपको आलस भी आ जाता है और फिर उसके बाद फेस पे बहुत सारी क्रीम्स वगैरह जो भी है वो रहती है, तो वो लेके चिपचिपा हो जाएगा, वो लेके हाँ वो लेके बाहर जाना ठीक नहीं। शोएब आते ही अपनी दही समोसा चाट ऑर्डर कर चुके हैं और हम दोनों जो हैं अभी मेन्यू देख रहे हैं कि हम लोग क्या ऑर्डर करें। सबा को आज कुछ फ्रूट्स खाने का मन कर रहा है। मुझे मन नहीं कर रहा है और मैं आज थोड़ा कम भी खाऊंगी हमने सोचा है, लेकिन आज मुझे पता नहीं पहली बार कार में वॉमिट जैसा लग रहा है। ओ, तो मैं फ्रूट सैलेड खाऊंगी। ओके, कार में वॉमिट आपको तब लगेगा जब आप नीचे बैठ देख रहे होगे। और तुम कलंकित को बोला था जब कार मूविंग होती है ना और आप नीचे देख के एडिट करते हो मूविंग, तो आपको वॉमिट जैसा लगता है, तो इसलिए ये भी एडिट कर रही थी ना, ऐसे लगी हुई थी ऐसे, तो इस वजह से लग रहा हूँ। तो ये रहे हमारे फेवरेट भैया, हाय बोल दो सबको। लास्ट टाइम जब मैं अकेले आई थी तब इन्होंने आके मुझे बताया था कि बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं और मैं किसी एक से मिली भी थी यहाँ पे, तो ये भी आप सबको थैंक यू बोल रहे थे। तो आज मैं उस दिन मैं शूट बहुत कम कर रही थी कि अकेली थी, तो हम सबकी तरफ से आपको थैंक यू। सर भी आए। हाँ, आज बहुत दिनों बाद सर आए हैं, सब आई है। कैसी है शोएब आपकी फेवरेट समोसा चाट? बहुत दिनों के बाद खा रहा हूँ, बहुत बहुत दिनों के बाद। आ गया है सबा का फ्रूट प्लेट, ये मेरा दही पूरी, एंड ये उसकी फोटो क्लिक कर रही है इंस्टाग्राम पे अपडेट कर रही है। आप सब लोग भी ऐसे ही करते होंगे ना? ये अभी बहुत पुराना हो गया लेकिन मेरी अभी भी आदत है। नहीं नहीं, कुछ पुराना नहीं हुआ, ये बहुत ही ओबीडियंटली हर बार करती है, हम नहीं कर पाते, बट वेरी गुड। और ये जनाब बिजी हैं खाने में और खाने के मजे लेने में ना शोएब? दही पूरी जैसी चीज खाते हुए थोड़ा सा बेशर्म होना पड़ता है ना, अगर उसका स्वाद लेना पड़े तो, क्योंकि ना ऐसे अजीब तरीके से खाना पड़ता है। बहुत खराब है, पर बहुत यम्मी है। मुझे खाने का मजा लेना है। और शोएब रेडी? हाँ रेडी, पता नहीं खुद नया एक्सपेरिमेंट करती है और फिर बोलती है मैं भी करती हूँ, अभी मुझे भी लेके आ गई जबरदस्ती, मेरा मन नहीं है जबरदस्ती करवाने का। देखो इतनी अच्छी बीवी कहाँ मिलेगी जो पहले खुद पे एक्सपेरिमेंट करती है, अगर रिजल्ट अच्छा होता है तो ही मैं आपको लेके आई हूँ। हाँ जी, सो आज बड़ी मुश्किल से मैं शोएब को पकड़ के लाई हूँ, वरना वो हमेशा कंप्लेन करती थी मुझे पैम्परिंग नहीं करवाती, तो आज मैं इनको लेके आई हूँ। और मुझे ना बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि 2 घंटा लगेगा पूरे ट्रीटमेंट के लिए, पहले इनका क्लीनअप होगा उसके बाद इनका लेगेसी होगा, क्योंकि उस दिन मैंने जो लेगेसी करवाया था उसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा था और क्लीनअप भी डेफिनेटली करना चाहिए। तो आज जबरदस्ती हम शोएब को पकड़ के लाए हैं और अब मैं चली जाऊँगी लोखंडवाला अपना शॉपिंग करने, क्योंकि मेरे पास 2 घंटा। ओके चलो, आई एम गोइंग, बाय। तो मेरी शॉपिंग हो गई है डन, मैंने बहुत अच्छे से शॉपिंग की, काफी सारी क्या की वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी चीज के लिए मैंने शॉपिंग की है, तो हैव पेशेंस। सो बस अब मैं जा रही हूँ सबा और शोएब को पिक करने के लिए, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट हो चुका है और देखते हैं दोनों को कैसा लग रहा है ट्रीटमेंट के बाद। सो हो गया है इनका ट्रीटमेंट, सबा सही रहा? हाँ, सही रहा। इसका तो वही रिपीट वाला था, तुझे पता था क्या हो रहा है? आपको नहीं पता था, आपका सब सही था?
चलो अभी हमें कहाँ घुमाने ले जा रहे हो, अभी सोने के मूड से बाहर निकलो। चलो जहाँ चलना है वहाँ चलो संतोष, और हम आ गए हैं ओबेरॉय मॉल शॉपिंग करने के लिए। सो सबसे पहले हम आए हैं बीबा, क्योंकि अम्मी को बीबा के सूट्स बहुत परफेक्ट आते हैं। आज शोएब ने बोला कि अम्मी के लिए कुछ सूट लेके जाते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि खाला और गई हैं और बीहा इस बार आई थी, उससे सबका बहुत मन लगा हुआ था, तो घर एकदम से खाली खाली हो गया है। तो अम्मी बहुत लो हैं, उदास हैं, तो उनका मूड अच्छा करने के लिए उनके लिए कुछ लेके जाते हैं। और फिर ये मास्क, ये आजकल बहुत एसेंशियल हो गए हैं, सबा को ब्लैक कलर का एक मास्क चाहिए था, तो मैं वही ढूंढ रही हूँ। एक्सेसराइज मैं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे स्लिंग बैग्स लेने हैं और यहाँ पे सेल भी लगी है, तो सबसे पहले मैं सेल सेक्शन में जो है वो बैग्स देख रही हूँ। वो लुक नहीं आएगा, जा सकता है। स्लिंग बैग्स मैंने सिलेक्ट कर लिए, अब ये कुछ मास्क हमें और अच्छे लगे, एंड नाउ डेनिम्स। सो मुझे जैसी बूट कट डेनिम चाहिए थी वो मुझे यहाँ मिल गई है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। शोएब को सनग्लासेस देखने थे तो उन्होंने मुझे भी एक ट्राई करने के लिए बोला, लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, और बेचारे देखो कन्विंस कर रहे हैं मुझे कि नहीं ये अच्छा लग रहा है दिप्पी, लेकिन मैं तो मैं हूँ, खड़ूस कहीं की मैं थोड़े मानूंगी। वो ही वाला लगा के दिखाओ। Yes, इन्होंने कहा ये रख लो, और हमने रख लिया, क्योंकि ये हम दोनों को ही अच्छा लगा, यानी शोएब मुझे, सबा को भी मुझ पे ही अच्छा लगा। तो आज ये माशाल्लाह क्या स्मार्ट लग रहे हो इन चश्मों में शोएब। तो मैं गया था आज, मुझे लेना था आज संगा, तो दीपिका ने मुझे ऐसा वाला क्या बोलते हैं ट्रांसपेरेंट दिला दिया है ग्लासेस के, तुम्हें अच्छा लगेगा, पढ़ाकू वाला बना दिया, पता नहीं कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए ये शोएब पे कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत स्मार्ट लग रहा है ना सबा, अच्छा लग रहा है, आंखें भी बची रहेंगी, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। एंड बाय द वे ये बेचारी अब भी एडिट ही कर रही है बीच बीच में इसे, जैसे जैसे वक्त मिल रहा है, सो इतनी हार्डवर्क की जरूरत पड़ती है। सो आज हम क्या खाने आए हैं शोएब बताएंगे, क्योंकि ये उनकी फेवरेट है थाली, महाराजा भोग की थाली मेरी बहुत ज्यादा ही फेवरेट है, और मैं पिछले कम से कम 11-12 साल ससुराल से मरका के टाइम से, ससुराल से मरके के टाइम से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, और ऐसा कोई दिन नहीं होता कि मतलब ऐसा कोई मंथ नहीं होता कि यहाँ पे मैं दो बार ना हूँ, लेकिन अभी थोड़ा कम हो गया लॉकडाउन के बाद से आ रहा हूँ, तो यस आज खाएंगे। ये हो गई है हमारी थाली कंप्लीट, वाह। और ये देखिए क्योंकि इनका फेवरेट खाना है तो ये पहले फोटो खींच के फोटो डालेंगे। सबा ने जल्दी से खाना शुरू कर दिया है, मुझे भी बहुत भूख लगी है, अभी मैं भी स्टार्ट करूंगी। सो हम दोनों का खाना हो गया है, बहुत अच्छे से खाया, सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत ही टेस्टी था, और शोएब अभी भी जो है ये देखिए मुझे मिल गई है अंगूरी, अंगूरी बासुंदी रसमलाई टाइप की बोलते हैं उसके, तो वो खा रहा हूँ, अच्छी है ना, बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी। तो हम लोग यहाँ बहुत सालों से आते हैं, जब शोएब ने ससुराल से मरका के वक्त डाइटिंग करना शुरू किया था उस वक्त से उनका ये है कि जब भी उन्हें चीट करना है वो यही बोलते थे कि दिप्पी यहीं चलेंगे और हम थाली खाएंगे, तो तब आप हफ्ते में एक बार जरूर खाया करते थे, है ना, वेज खाना भी अच्छा लगता है, बहुत बहुत वेज खाना, तो बहुत सारी वेराइटी, कुछ अलग अलग डिशेज, और हाँ हमारा जो वो क्लिक ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हर रोज उनका मेन्यू जो है वो अलग होता है, और अब तो गर्मी आ रही है, गर्मियों में इनका आम रस तो बहुत ही यम्मी होता है। जो भी है हमने वो लिया है वो भी बहुत ज्यादा।
और हमने मलाई चाप भी लिया है चार पीस। सब मैं नहीं खाऊंगी, नीचे के घर के लिए भी। So, आज सबसे अच्छी चीज जो हुई है वो ये है कि हमको बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिला एंड हम मुश्किल से 15 मिनट में ना हम लोग मुश्किल से 15 मिनट्स में अभी तो घर के हम बहुत करीब आ गए और बस तो आज हमने बहुत सारी मस्ती की हम तीनों ने साथ में। बहुत समय बाद हम तीनों एक साथ बाहर निकले थे और हमने अच्छा अच्छा खाना भी खाया, हमने शॉपिंग भी की, हमने अम्मी के लिए भी थोड़ी शॉपिंग की है क्योंकि ऑब्वियसली बात है घर एकदम से खाली हो गया है तो अम्मी थोड़ी लो फील कर रही है। तो शोएब ने बोला कि चलो अम्मी के लिए कुछ लेते हैं ताकि अम्मी को अच्छा लगे। और अगर आपको आज हमारे साथ घूम के मस्ती करके अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हम तीनों के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। फंबल डे है, इतने खुशी में इतना एक्साइटेड। चलो बाय। ये आ गई है अम्मी। अम्मी ये आपके लिए क्या है देखो। मैं क्या बताऊं मुझे कि क्यों इस क्या मतलब क्यों? ऐसे ही शोएब ने बोला आज अम्मी के लिए दो सूट लेके चलो। अच्छा गोल बटन आया तुम्हारा इसके लिए? अभी कहाँ है? इस खुशी में अभी नहीं, ऐसे ही सब मेरे का सब कल गए हैं। अम्मी थोड़ा उदास बैठ जाए, अपनी मूड अच्छा कर दिया अम्मी का तो ऐसे मूड अच्छा करना है तो अल्लाह हर दिन रोज ला। वो भी देखो बेटा लेके आया है। सही बात है। अब हम फिर से बुला लेंगे अभी मेहमानों को, खा लोगों को फिर भेज देंगे फिर मिल जाएंगे।